हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम गरुड़ा कैमरा ड्रोन की हाइट टेस्ट करने वाले हैं और हम हाइट मेज़र करेंगे विथ रेफरेंस टू DJI Mavic Air। तो चलिए देखते हैं कि गरुड़ा कितनी हाइट तक ऊपर जा सकता है। टेक ऑफ। द होम पॉइंट हैज बीन अपडेटेड, प्लीज चेक इट ऑन द मैप। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे DJI Mavic Air की एप्लीकेशन DJI Go 4 का व्यू और दोनों ड्रोन को हम साथ ही वर्टिकली फ्लाई कर रहे थे और 20 मीटर की हाइट के बाद हमें गरुड़ा ड्रोन एकदम क्लियरली विजिबल है। हम 30 मीटर की हाइट पे पहुंच गए थे फाइनली और उसके बाद भी मतलब कि गरुड़ा ड्रोन स्टेबल फ्लाई कर रहा था। 35 मीटर के बाद DJI Mavic Air में भी मतलब कि नोटिफिकेशन आई थी कि हाई विंड बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट एरिया थोड़ी स्टेबिलिटी अप एंड डाउन हो रही थी, लेकिन 50 मीटर तक हमारा गरुड़ा ड्रोन एकदम स्टेबल फ्लाई हो रहा था। 57 मीटर तक ये पहुंच गया था। 59 मीटर के बाद थोड़ा लाइक मतलब कि रेंज टूटने के कारण थोड़ी मतलब कि उसकी विजिबिलिटी भी डाउन हो गई थी और वो ऑटोमेटिकली लाइक लैंड होने लगा था और हम मतलब कि 1 km रिटर्न के बावजूद भी वो रिटर्न नहीं मंगवा पा रहे थे। DJI Mavic Air से हमने ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो मतलब कि दूर कहीं पर मतलब कि धीरे धीरे लैंड हो रहा था। तो गरुड़ा ड्रोन को ढूंढने के लिए हमने DJI Mavic Air को थोड़ी ज़्यादा रेंज पे लाइक भेजा था, नियर बाय 70 मीटर तक भेजा था। उसके बाद हमें विजिबल था कि नियर बाय रिसोर्ट है जहाँ पे ये ड्रोन गरुड़ा ड्रोन लैंड हुआ होगा। फिर भी हमने 90 मीटर तक DJI लाइक Mavic Air को भेजा था लेकिन ज़्यादा हाइट की वजह से विजिबल नहीं था गरुड़ा ड्रोन। तो फिर हमने DJI Mavic Air को वापस बुला के मैन्युअली वहाँ पे जाके सर्च करने की अलग कोशिश की थी। तो देखते हैं कि गरुड़ा ड्रोन मिलता है कि नहीं। Landing. तो गरुड़ा ड्रोन को ढूंढने के लिए हम चारों लोग निकल पड़े फॉरेस्ट और रिसोर्ट में ढूंढने के लिए और हमें मतलब कि एक ही चीज़ करनी थी, कैसे भी करके गरुड़ा ड्रोन के वाईफाई को हमारे मोबाइल के वाईफाई के साथ कनेक्ट करना था जिससे हम ये ढूंढ पाए कि गरुड़ा ड्रोन कहाँ पे लैंड हुआ है। सो फाइनली वी लॉस्ट अवर गरुड़ा ड्रोन, एक्चुअली ढूंढ रहे राइट नाउ, बट देखते हैं कि मिलता है कि नहीं। मेरे ख्याल से 60 मीटर्स तक ये हाइट पे गया था, उसके बाद थोड़ा रेंज टूट जाने के वजह से अपना मतलब कि अभी ढूंढ रहे राइट नाउ, मिल जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि सभी आम के पेड़ है तो कहीं पे अगर पेड़ के ऊपर भी हो सकता है राइट, देखते हैं। सो आफ्टर 45 मिनट्स फाइनली गरुड़ा ड्रोन का वाईफाई हमारे मोबाइल के वाईफाई के साथ कनेक्ट हो चुका और आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा विजुअल हमें गरुड़ा ड्रोन के एप्लीकेशन के अंदर शो हो रहा था। तो कहीं पे मतलब कि लैंड के नियर बाय ही गरुड़ा ड्रोन लैंड हुआ था। तो हमने अलग मतलब कि कैसे भी करके गरुड़ा ड्रोन को फिर ढूंढा और हमें पता चला कि अप्रोक्सीमेटली 400 मीटर तक ये दूर गया था। फाइनली गरुड़ा ड्रोन हमारे हाथों में। अरे वाह, हीरो ऑफ द डे। तो ऐसी एक्साइटेड रही हमारी गरुड़ा ड्रोन के साथ की जर्नी। अगर आप भी गरुड़ा ड्रोन परचेस करना चाहते हैं तो यही लिंक के थ्रू आप परचेस कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोज आते रहेंगे तो प्लीज़ लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।